दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में सोना कैसे बनता है और कैसे बड़ी बड़ी खदानों में ब्लास्ट करके सोने को बाहर निकाला जाता है? और क्या आप जानते हैं सोना खदानों के अलावा कहां कहां से निकलता है और क्यों सोना इतना महंगा होता है? दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि जमीन के अंदर सोना कैसे खोजा जाता है। दोस्तों, ये काम भी तेल और गैस के भंडार का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। जमीन के अंदर सोना पता करने के लिए सबसे पहले भूवैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी कि GPR का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कर जमीन के अंदर सोना की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ये रेडार जमीन की मिट्टी का घनत्व और चुंबकीय गुणों की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है और इसके आधार पर तैयार किया जाता है और फिर अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व हो सकते हैं और इसके बाद एक सटीक जानकारी के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर थोड़ा सा मलबा बाहर निकाला जाता है और इस तरीके से जमीन के नीचे मौजूद धातु की सही जानकारी प्राप्त करके जमीन को खोदना शुरू किया जाता है। और इस तरह का जो काम होता है वो जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को ही सौंपा जाता है और जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम कंफर्म कर देती है कि जमीन के नीचे गोल्ड मौजूद है, उसके बाद ही जमीन से सोना निकालने की प्रोसेस को शुरू किया जाता है। और अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए चट्टानों में धमाके किए जाते हैं और किस चट्टान को तोड़ना है ये डिसीजन भी जियोलॉजिस्ट लेते हैं। और आपको अगर लगता है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े टुकड़े या ब्लॉक्स निकल आते हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनी को गोल्ड वाले इलाके में करीब 300 से 500 मीटर गहराई तक जमीन को खोदना पड़ता है और जहां से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता है। इसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकाल कर एक मशीन की मदद से बारीक पीस लिया जाता है और इस काम को करने में काफी समय भी लग सकता है। और इसके बाद इन पत्थरों और सोने के छोटे छोटे कणों को अलग करने की प्रोसेस शुरू होती है और इसके लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर एक कंबल के जैसा कपड़ा बिछा होता है जिसे गीला कर दिया जाता है और फिर रेत की तरफ से पत्थरों को इस कपड़े पर बिछा दिया जाता है तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और बाकी के पत्थर बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार दोहराया जाता है जिससे सोना और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगली स्टेप कंबल को धोया जाता है और उस कंबल को धोने से सोने के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और इसके बाद उन पार्टिकल्स को पिघलाकर अलग अलग शेप जैसे बिस्किट और ब्रिक्स में बदल दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोल्ड की जो जेवरात हम खरीदते हैं उसमें प्योर सोना नहीं होता है और इसकी वजह ये होती है कि प्योर सोने से कोई भी चीज बनाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जो काफी मुलायम होती है और यही वजह है कि इसे कठोर या हार्ड बनाने के लिए कुछ मात्रा में दूसरी धातु मिलाई जाती है, तब जाकर इसे गहने बनाए जा सकते हैं और गहने काफी मजबूत भी होते हैं। कठोर बनाने के लिए सोने में जितनी मात्रा में दूसरी धातु मिलाई जाती है उससे सोने का कैरेट डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। दोस्तों, रॉक गोल्ड ऐसी ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले सोने के बिस्किट पुरानी ज्वेलरी को आर के भट्टी में पिघलाया जाता है और इस भट्टी के टेम्परेचर करीब 1945 डिग्री से ज्यादा होता है और इस टेम्परेचर पर सॉलिड गोल्ड को कुछ ही मिनटों में पिघला दिया जा सकता है और फिर इस पिघले हुए गोल्ड को सांचों में डालकर मनचाहा आकार दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर गोल्ड को गोल्ड बार के शेप में ही बनाया जाता है। दोस्तों, आपने गोल्ड मेकिंग का ये जो प्रोसेस देखा वो दिखने में काफी आसान लगता है लेकिन असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। इसमें गोल्ड से बनी चीजों पर पॉलिश कर इस पर डिजाइन वगैरह बनाना होता है और फिर गोल्ड की रिंग हो या फिर कड़े, इन पर डिजाइन मशीन के जरिए और हाथों के जरिए भी की जाती है। लेकिन मशीन के जरिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज्यादा फास्ट होता है और साथ ही इसमें गोल्ड की वेस्टेज भी बहुत कम होती है और ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को फिर से बॉक्स में बंद करके काफी सुरक्षा के साथ दुकानों में सप्लाई किया जाता है और फिर जहां से लोग इन्हें उस दिन के गोल्ड के रेट के हिसाब से खरीद सकते हैं।